हमारे YouTube चैनल पॉसिबल ऑटोमेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरव माधवानी। सो आज का एक वीडियो का टॉपिक है एनालॉग के बारे में। जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था पार्ट वन में, वो एनालॉग रीड था। ओनली एनालॉग की जो भी वैल्यू होती है वो सीरियल मॉनिटर में रीड करके आपको मैंने बताया था। जो ये वीडियो है वो रीड एंड राइट दोनों है। सो एनालॉग की जो भी वैल्यू चेंज होती है उससे मैं ब्राइटनेस भी डाउन करूंगा एंड उससे मैं जो बजर का जो साइरन है वो भी मैं अपडाउन करूंगा। सो लेट्स स्विच। स्टार्ट दी हार्डवेयर पार्ट। प्रीवियस पार्ट वन में जो एनालॉग कंट्रोलिंग का था उसमें ये कनेक्शन आपको मैंने दिखाया थे। सो अभी मैंने एक एलईडी ली है ब्राइटनेस के लिए। ये एनालॉग पोर्ट से इसकी ब्राइटनेस अप डाउन होगी एंड ये है बजर। इसका जो साइरन है वो भी उसका वॉइस और उसका कंट्रोलिंग ये पोटेंशियोमीटर से होगा। एंड ये मैंने रजिस्टर लिया है 1K का एलईडी के लिए, सेफ्टी के लिए। सो जो एलईडी होती है उसमें जो बड़ा लेग है वो एनोड है, ये कैथोड है। ओके, छोटा लेग, तो ये छोटा लेग को मैं इसके साथ में दे रहा हूँ। ओके, एंड जो बजर का जो छोटा लेग है उसको भी मैं कैथोड दे रहा हूँ, मींस नेगेटिव दे रहा हूँ, सॉरी। एंड उसके साथ में नेगेटिव ग्राउंड अटैच कर रहा हूँ। ओके, इसको मैंने ग्राउंड दे दिया। अब एलईडी को मैं रजिस्टर के साथ दे रहा हूँ। Okay, क्योंकि एलईडी 3.3 वोल्ट पर वर्क करती है। इसको मैं दे रहा हूँ 2 पिन के साथ, मींस पिन नंबर 2। आर्डिनो में डिजिटल पिन में मैंने दिया है 2 नंबर में एंड बजर को दे रहा हूँ मैं 3rd। ओके, तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर कनेक्शन। सो लेट्स वी स्टार्ट द कनेक्शन डायग्राम। स्टार्ट द कनेक्शन डायग्राम। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको ही, तो ये इसके साथ में एक एलईडी ले रहा हूँ। एलईडी में जो बड़ा लेग होता है वो एनोड होता है, ये कैथोड है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके साथ में बजर ले रहा हूँ, उसमें भी बड़ा लेग होता है वो पॉजिटिव, छोटा लेग होता है नेगेटिव। ओके, सो ये दोनों को मैंने ग्राउंड दे दिया है। ओके, ये हो गया ग्राउंड में। और यहाँ मैंने ली है 2 और 3, ये दोनों डिजिटल पिन है आर्डिनो में। 2 नंबर में दिया है मैंने एलईडी। ओके, बट इससे साथ मैंने लिया है रजिस्टर 1K का, डन। एंड इसके साथ मैंने लिया है 3 नंबर। ये हो गया हमारा कनेक्शन डायग्राम। सो लेट्स वी स्टार्ट द सॉफ्टवेयर पार्ट। तो लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने बताया था वो पोटेंशियोमीटर ही था इसमें। तो अभी मैं एज इट इज हार्डवेयर में जो मैंने लिया है एलईडी एंड बजर, तो इसको मैंने इसमें डिफाइन कर रहा हूँ। ये लास्ट वीडियो का प्रोग्रामिंग है। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो पहले देखिए। तो अभी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ इंटीजर एलईडी एंड वो मैंने दी है 2 नंबर की पिन में। मैंने एक बजर लिया है उसको मैंने दिया है 3 नंबर। ओके, तो ये पिन डिफाइन हो गई। अब ये जो पिन है वो एज ए इनपुट है या आउटपुट है वो भी मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये जो एलईडी है वो 2 नंबर में है एज अ आउटपुट है। ओके, एंड जो 3 नंबर है वो भी एज अ आउटपुट है बजर। ओके, ये सीरियल मॉनिटर के लिए है, इसमें देखने के लिए बोर्ड रेट। एंड ये ACDC प्रोग्राम ही है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को जब भी पोटेंशियोमीटर में जो उसकी वैल्यू अप डाउन करूँगा तो उसकी ब्राइटनेस, एलईडी की ब्राइटनेस एंड बजर की जो वॉइस है वो कम और ज़्यादा होनी चाहिए। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्शन है एनालॉग राइट और ये आउटपुट के लिए है।
ये सेंसर और रीड के लिए, जो भी एज अ पिन आपको इनपुट लेनी है वो रीड के लिए, और एज अ आउटपुट लेनी है तो ये राइट है। तो कौन सी पिन को मेरे को क्या करना है, 3 नंबर की पिन जो बजर है वो किससे साथ कंट्रोलिंग करनी है, इसके साथ। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो जो भी कंट्रोलिंग होगा तो वो किस में होगा, इसमें होगा। जनरली हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं वो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कि जनरली हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जनरली हम क्या करते हैं इसमें कि डिजिटल राइट एंड ऐसे रखते हैं हम, जो भी 1 नंबर की पिन है उसको क्या करते हैं हाई, इससे क्या होती है वो पिन हाई हो जाती है, मीन्स ऑन हो जाती है। इसको लो करना हो तो डिजिटल राइट अगेन, इसी पिन को हम लो कर देते हैं और दोनों के बीच में हम डिले डाल देते हैं, इससे क्या होती है पिन 1 और 0 हो जाती है। बट मेरे को क्या करनी है, 1 0 नहीं करनी, उसकी वैल्यू मेरे को वेरी करनी है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट जो वेरी कर रहा है, जो वेरिएबल ये तो इसकी वैल्यू है, इसमें वेरिएबल में जा रही है, तो डायरेक्ट वेरिएबल मैंने डाल दिया है। एज इट इज अगेन एनालॉग राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर की पिन है, इसको भी मेरे को वेरी करना है। ये है एलईडी वेरी, एलईडी के लिए, एंड ये है बजर के लिए। ओके, तो इसको मैं सीरियल मॉनिटर में भी प्रिंट कर रहा हूँ अभी। जो एलईडी की वैल्यू है वो एंड सेम एज बजर वैल्यू, बट थोड़े डिले के बाद, थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, 1000 मिलीसेकंड डाल देता हूं, इसमें भी 1000 मिलीसेकंड। ओके, सो मैं अभी हार्डवेयर के साथ उसको कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं, सो लेट्स स्टार्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहां मैंने हार्डवेयर रेडी किया है, ये केबल मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूं, Arduino Uno पे है, इसको मैं 0 कर देता हूं। ये 0 हो गया है, ये जो भी प्रोग्रामिंग है उसको मैंने अभी अपलोड कर रहा हूँ Arduino में। अभी ये प्रोग्राम अपलोड हो गया है, डन अपलोडिंग। अभी ये सीरियल मॉनिटरिंग में मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि अभी पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 0 आ रही है, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू अभी क्या आ रही है 0, एलईडी की वैल्यू 0। आप हार्डवेयर में भी देख सकते हो एलईडी ऑफ है, बजर भी ऑफ है, उसका कोई सायरन नहीं बज रहा है। अभी मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ब्राइटनेस आप देख सकते हो कि देखना। ओके, अभी ये क्या हो रहा है कि ये बजर की वैल्यू बढ़ रही है, एलईडी की वैल्यू अभी 0 है, ये
ये प्रोग्रामिंग मैंने अपलोड किया था, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सो सीरियल मोटरिंग अगेन ऑन कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है वो आपको शो कर रहा हूँ। ओके, सो ये सीरियल मॉनिटरिंग में दिखा रहा है अभी। सो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी ये दोनों कंबाइन है बट एक ही पोटेंशियोमीटर में, तो इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है एक ही एम ही स्टोर हो रहा है, मैंने अलग अलग नहीं लिया है तो ये कंफ्यूज हो रहा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक बजर में कंट्रोल कर रहा हूँ, अभी मैं एलईडी निकाल देता हूँ। ओके, देखना ये बजर की वैल्यू, पोटेंशियोमीटर 51, बजर की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये फिर से कम हो गई। ये क्या हो रहा है, ये अभी क्या हो रहा है, अभी मैं इसको जीरो कर देता हूँ। ओके, बजर जीरो। अभी ये क्या हो रहा है कि पोटेंशियोमीटर की वैल्यू तो बढ़ रही है, बजर बीच बीच में चेंज हो रहा है, क्योंकि जो हमारा कंट्रोलर है वो 8 बिट का है, वो 0 टू 256 तक ही कोई भी कंपोनेंट को कंट्रोल करेगा। 1023 में का जो कोई भी फोर्थ पार्ट आप करोगे तो क्या होगा, 4 टाइम ये बजर कंट्रोल होगा, मींस वैल्यू अलग अलग चेंज होगी, इसलिए ये हो रहा है। अभी मैं इसको ब्राइटनेस में डाल रहा हूँ, आप देखना ये 3 पिन जो है उसको मैं दे रहा हूँ एलईडी के साथ, आपको ज्यादा पता चल जाएगा। देखो ये एलईडी बढ़ रही है ब्राइटनेस, अभी ये कम हो गई, तो ये देखो 183 तक है, अब 256 आएगी ना तो ये फुल हो जाएगी, देखो 236, 250 में फुल है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं 256 से ज्यादा करूंगा ना तो ये क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस कम होगी, ये देखो 265 हो गया। मैंने क्या बोला कि कंट्रोलर की जो भी वैल्यू है वो 256 तक भी होगी। ओके, 0 टू 255 मीन्स 256। अभी मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये वैल्यू बढ़ेगी, जो भी एलईडी की जो ब्राइटनेस वो भी बढ़ेगी, बढ़ गई। ओके, ओके, ये फोर्थ बार, ओके ये चार बार होगा। ओके, क्योंकि 1023 का जो आप फोर्थ पार्ट लोगे तो वो 256 होगा, मीन्स 250 के अराउंड। सो ये सॉफ्टवेयर पार्ट एंड हार्डवेयर पार्ट, थैंक यू। जैसे ही आपने देखा कि मैंने जो आर्डिनो से वो जो एनालॉग जो रीड एंड राइट मैंने बताया उससे एलईडी की ब्राइटनेस भी कम और ज़्यादा हो रही थी, एंड जो बजर का साइरन था वो भी कम और ज़्यादा हो रहा था। सो वो मैंने हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में दोनों बताया। सो यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।